नमस्कार। आज हम हरी प्याज और पनीर बनाएंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम हरी प्याज लिया और उसे बारीक बारीक काटा है। और अब 1 बड़ी चम्मच हमने तेल लिया है, उसे गरम कर लिया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली है, हाफ टी स्पून हमने लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून धनिया और अब टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। अब इस मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब इसे ढककर रख देंगे। अब ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हमने 1 बड़ा टमाटर छोटे छोटे पीस करके डाले हैं। टमाटर को हमको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब इसमें हम 200 ग्राम बारीक कटे हुए पनीर के टुकड़े डालेंगे और इसे मिलाएंगे और चलाएंगे ताकि इसमें भी मसाला चले जाए अच्छे से पनीर में। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे।